me. My enemy. कर लेने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। ब्राउजर पे क्लिक करके आप उसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम यहाँ डाल देना है और ये सब होने के बाद ओके पे क्लिक कर देना। डबल क्लिक करके आप ओपन कर लेना है आपका फुटेज, और फुटेज कुछ ऐसा होना चाहिए, एक एम्प्टी शॉट और एक कैरेक्टर शॉट। और हाँ, कैमरा हिलाना नहीं है। एम्प्टी शॉट ड्रैग करके टाइमलाइन पे लाना है, कैरेक्टर का शॉट या ऊपर ले आना है। और यहाँ कट लगा देना है इस प्लेट से, और इसे सिलेक्ट करके ऐड फ्रेम होल्ड, और इफेक्ट्स कंट्रोल में जाना है। नहीं दिख रहा, विंडोज इफेक्ट्स कंट्रोल, ऑपेसिटी में जाके यहाँ एक पेन टूल मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। ये होने के बाद आपको इसे एनिमेट कर देना है। इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके आपको पोजीशन और रोटेशन इसको एक्टिव कर देना है। एक दो फ्रेम आगे आ जाना और इसे एनिमेट कर देना। यहाँ की फ्रेम ऐड होगी, ऐसा कुछ। अब इसे रोटेशन ऐड कर देना है आपको। रोटेशन ऐड करने के लिए आपको रोटेशन को एक्टिव कर देना है। थोड़ा थोड़ा रोटेट कर देना। और यहाँ आपको नीचे यहाँ शैडो ऐड कर देना। इसके लिए आपको इस आइकॉन पे क्लिक करके कलर मेटल ओके, ब्लैक कलर सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना। ओके, इसे ड्रैग करके आपको यहाँ ले आना। इस पे सिलेक्ट करके इफेक्ट्स कंट्रोल, और इस आइकॉन पे क्लिक करके आपको यहाँ थोड़ी शैडो ऐड कर देना। यहाँ फेदर थोड़ा बड़ा के देखना है, ओपेसिटी थोड़ी कम, और इसे एनिमेट कर देना आपको। एक्टिव कर देना और फ्रेम आगे जाता इसका ऑपेसिटी आपको कम करते जाना। और हम यहाँ पे एक स्मोक ऐड कर देना। इसके लिए आपको इंपोर्ट करना है स्मोक का वीडियो।
यहाँ से आप इसे ड्रैग कर देना और यहाँ इसे क्रॉप कर देना। कुछ इस तरीके से। और आपको इसमें एक बदलाव कर देना है ब्लेंडिंग मोड पे, इसे स्क्रीन कर देना है। ऐसा होने हो जाने के बाद गाना रखना है तो रख सकते हैं। आपको इसे रेंडर करने के लिए इस टाइमलाइन को पहले ले आना है फाइल में जाके एक्सपोर्ट मीडिया। यहाँ से आप फॉर्मेट ये रखना है आपको एक्सपोर्ट ऑडियो एक्सपोर्ट वीडियो। यहाँ पे क्लिक करके आप उसका लोकेशन चेंज कर देना है और इस बटन पे क्लिक कर देना है।